लॉकडाउन के 17 दिन हो चुके हैं और आज ये समझ में आ रहा है कि शायद चीफ मिनिस्टर्स की मांग के ऊपर लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए। और अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो अभी 17 दिन का जो अनुभव है उसका संज्ञान लेते हुए, उसका ध्यान रखते हुए ही केंद्र की सरकार और राज्य सरकारों को कदम उठाने की ज़रूरत होगी। हमारा अनुभव क्या है मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये कहा गया था कि सब मजदूरों को वेतन दे दिया जाएगा, किसी का वेतन नहीं कटेगा, सरकार ने ऐसी एडवाइजरी दी थी। लेकिन हमारे पास जो खबरें पहुंची हैं उसके मुताबिक सबको वेतन नहीं दिया गया, केवल 10% मालिकों ने उनको वेतन दिया। 90% की शिकायतें हैं कि उनको वेतन नहीं मिला। दूसरा वायदा किया गया था, आप घर में भी बैठे रहेंगे तो आपका रोज़गार नहीं जाएगा, आप निश्चिंत रहें। पर अब जो हमारे पास शिकायतें पहुंची हैं जगह जगह से, वो ये कि जो असंगठित मजदूर है, जो दिहाड़ीदार है, जो आउटसोर्स है, ठेका मजदूर, उसकी रोजगार तो गई। रेगुलर एम्प्लॉयज को भी बहुत सारी कंपनियों ने रिट्रेंच करना शुरू कर दिया है। हमारे लोगों के पास शिकायतें पहुंची हैं और हमने प्रशासन को, मुख्यमंत्रियों को, लेबर मिनिस्टर्स को उन शिकायतों को पहुँचाया है, अलग अलग सेक्टर के अधिकारियों को भी पहुँचाया है। तीसरा जो वायदा किया गया था वो ये था कि चाहे APL हो या BPL हो या इसके अलावा भी लोग होंगे, सबको राशन दिया जाएगा और मात्रा बढ़ा करके दिया जाएगा। लेकिन अब फील्ड से एक्सपीरियंस ये आया है कि केवल BPL को दिया गया, बहुत सारी जगहों पे APL को नहीं दिया गया, कहीं कहीं APL को दिया गया। APL और BPL को छोड़ के बाकियों की तो बात ही छोड़िए, उनको नहीं मिला है। तो राशन लोगों के ख़त्म होने शुरू हो गए हैं, तो उसका हम क्या करेंगे, जबकि FCI के गोदाम भरे पड़े हैं, उनका मुंह खोलना चाहिए और इतना जो भंडार है उसका इस्तेमाल करना चाहिए भूखे लोगों को अनाज देने के लिए। तीसरा अनुभव जो सामने आ रहा है वो अनुभव ये है कि जो लोग घरों को नहीं जा पाए अचानक लॉकडाउन होने की वजह से, ट्रेनें और बसें बंद होने की वजह से, लोग सड़कों पे निकल पड़े थे, कुछ मर गए रास्ते में, बाकी लोग पहुंच गए 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके पहुंच गए। लेकिन जो नहीं पहुंच पाए, जिनको वापस धकेला गया कि जहां से आए हो वहां जाओ, लेकिन वो फैक्ट्रियों में जो रहते थे वो उनको फैक्ट्रियों में जगह नहीं मिली, तो अहातों में रहते हैं या स्कूलों में, कॉलेजों में, जहाँ भी सरकारों ने इंतज़ाम किया है, रैन बसोरों में किया है, वहाँ पर वो रहते हैं। उनकी शिकायत क्या है? कहा गया था कि सबको पका हुआ अनाज मिलेगा, वो चिंता नहीं करें, हर जरूरत पूरी की जाएगी। अब हमारे पास क्या शिकायतें हैं कि एक दिन में एक बार खाना आ रहा है, कहीं कहीं से शिकायत आई है कि 2 दिन के बाद खाना आया, और आज तो ऐसी शिकायतें भी थी कि 3रा दिन हो गया हमारे पास खाना नहीं पहुँचा। और आज हम दिल्ली की घटनाओं का क्या कहें कि रैन बसेरा में 3 जगह पर आग लगाई गई और वो मजदूर कह रहे हैं कि रोज़ पिटाई हो रही थी, तो उन मजदूरों को भगाने का प्रयास किया गया, उनकी पिटाई हो रही थी। किस लिए पिटाई हो रही थी? खाने को लेकर के झगड़ा हो रहा था। तो ये जो हालात हैं, क्या ये फूड राइट्स की तरफ इशारा करते हैं? क्या लोग जो ये कह रहे हैं कि कोरोना में हम बाद में मरेंगे, हम भूख से पहले मर जाएंगे, तो सरकार को इस बात का संज्ञान नहीं लेना चाहिए? चौथी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है, जो कल सूरत में रात को घटना हुई, पहले भी ऐसा हुआ, मजदूरों ने सड़कों पर निकल करके प्रदर्शन करने की कोशिश की, उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई थी, कुछ पे केस बनाए गए थे। और कल रात में जो सूरत में हुआ उनमें से 1300 मजदूरों पे केस बना दिए गए, कुछ को जेल में डाल दिया गया। आपने लोगों को घरों में नहीं जाने दिया समय पे, और मैं आज फिर दोहरा रही हूँ इस बात को कि सरकार ने जनवरी से पहला केस आया था, संज्ञान नहीं लिया, 2 महीने खत्म हो गए, मार्च के महीने में पार्लियामेंट चलती रही, चीफ मिनिस्टर्स के साथ, राजनीतिक पार्टियों के साथ या सांसदों के साथ कोई सलाह नहीं की और अचानक लॉकडाउन घोषित किया गया। अगर 19 को प्रधानमंत्री देश को संबोधन करने आए थे और उस दिन उन्होंने कहा कि सब तालियां लगाइएगा और साथ में जनता कर्फ्यू डिक्लेयर किया, तो उसी दिन क्यों नहीं कह दिया था कि 5-6 दिन का समय है, सब अपने अपने घरों में चले जाओ, हम स्पेशल ट्रेनों का, बसों का इंतज़ाम करेंगे, लोग अपने घर परिवार तो पहुंच जाते। लेकिन आज वो मजदूर जो जगह जगह के ऊपर बंद है, उसका घर परिवार चिंतित है और वो यहाँ पर चिंतित है जहाँ पड़ा हुआ है। ऐसी परिस्थिति के अंदर तनाव की स्थितियाँ तो बढ़ ही रही हैं और ये गिनती कम नहीं है, 54 करोड़ मजदूर हैं,
जिसमें से 40 करोड़ को तो बेचारों को किसी सामाजिक सुरक्षा का कवरेज भी नहीं है, उन सबकी रोजी रोटी दांव पे लग गई है, उनके पास कमाई नहीं है। उसके साथ साथ आप ये भी सोचिए, आईएलओ ने क्या कहा दो दिन पहले कि 40 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी की ज़्यादा खराब हालत में जाने वाले हैं, ये स्थिति उन्होंने बताई। उनकी हालत पहले भी अच्छी नहीं थी, अब रोजगार छिन जाने के बाद उनकी हालत और अनाज ना मिलने की वजह से उनकी हालत क्या होगी, और उसके साथ साथ जो एंग्जाइटी है, जो परेशानी है, जो दर्द वो झेल रहे हैं, उसको लेकर के उनके हालात और खराब होते चले जा रहे हैं। इसलिए कुछ सीखने की आवश्यकता है। मैं आज भी सरकार पे दोष लगा रही हूँ कि अगर समय रहते लोगों को 5-6 दिन दिए होते, इंतज़ाम किए होते, तो आज जितना मुश्किल हो रहा है उस फिजिकल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत को लागू करना, वो उस किस्म से नहीं हो पाता और इस एंग्जाइटी के हालात को हम समझ पाते, देख पाते, संभाल पाते। साथ में मेरा ये कहना है कि इस दौरान में, इस 17 दिन में हमने क्या देखा कि इस महामारी से मुकाबला करने के लिए पूरे देश को एकजुट होने की ज़रूरत है, लेकिन हिंदू मुस्लिम विवाद खड़े किए गए, ट्रोलिंग किया गया, फेक न्यूज़ चलाई गई, मानव को मानव के खिलाफ खड़ा किया गया, इस पे रोक लगनी चाहिए। इन 17 दिन के अनुभव में हमने देखा कि जो हमारे फ्रंट रैंक फाइटर्स हैं, डॉक्टर्स पे हमले हुए, नर्सिस पे हुए, आशा वर्कर्स पे हमले हुए, सफाई कर्मचारियों पे हुए, और आज तक शिकायतें आ रही थी कि उनको कॉलोनीज के अंदर हरास किया जा रहा है, उनको किराए के मकान से निकालने की बातें की जा रही हैं। दो डॉक्टर, यंग डॉक्टर्स को पीट दिया दिल्ली जैसी जगह में, सफदरजंग हॉस्पिटल की डॉक्टर्स को पीट दिया कि तुम कोरोना फैलाती हो। वो डॉक्टर्स हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर दो डॉक्टर्स की पिटाई की, और किसने, जनता की बात छोड़िए, पुलिस ने पिटाई कर दी, एक को फ्रैक्चर कर दिया। मजदूरों की पिटाई हो रही है, मानेसर के अंदर पिटाई हुई, हिमाचल में मजदूरों को इसलिए पीट दिया गया कि पास में चलने वाले झरने से वो साफ पानी कैसे पी रहे थे। अंधविश्वास बढ़ाया गया, मिथ चलाए जा रहे हैं, विज्ञान से दूर रखा जा रहा है, और इस समय के अंदर इन सब चीज़ों का संज्ञान लेने की आवश्यकता होगी कि अगर आने वाले दिनों में इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है तो याद रखें, अमीर को फ़र्क नहीं पड़ा, आगे भी नहीं पड़ेगा, संभ्रांत को फ़र्क नहीं पड़ा, आगे भी नहीं पड़ेगा, कुछ हद तक उच्च जो मध्यम वर्ग है वो भी इस सारे मामले में से आराम से निकल जाएगा, लेकिन निम्न मध्य वर्ग और गरीब जनता, ये गिनती कम नहीं है, 100 करोड़ से ऊपर ही पड़ती है। तो 135 करोड़ के इस देश में 100 करोड़ के करीब हमारा आवाम आज बहुत कठिनाई की ज़िंदगी के अंदर है। ऐसी परिस्थितियों में मुझे बहुत दुख लगा कि हमारा सबसे उच्च जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके एक जस्टिस ने ये कह दिया कि ठीक है, पका हुआ खाना मिल रहा है तो आप वेतन की मांग क्यों कर रहे हो। अगर इस तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक सोच होगी तो ये गरीब आदमी कब तक सब्र रखेगा। इसलिए अगर हमें इस महामारी से लड़ना है तो वैज्ञानिक तौर तरीकों को हम अपनाएं, फिजिकल डिस्टेंस को मनाएं, अपने हाइजीन का ख्याल रखें, साबुन का इस्तेमाल करते हुए हाथ धोएं, और सरकार से मेरा कहना है कि जितने कैंप्स आपने बनाए हैं, मजदूर वहाँ पर है, तो फिर वहाँ पानी का और साबुन का ठीक व्यवस्था करें, ताकि वो भी साइंटिफिकली बताई गई इन बातों का इस्तेमाल कर सकें। इसलिए फूड के दंगे नहीं हो, खाने के लिए दंगे नहीं हो, लोगों को इस पूरे हालात के अंदर एक साथ चलने का हम माहौल दे सकें। मैं सरकार से, केंद्र की और राज्य की सरकारों से ये फिर से कहना चाहती हूँ, जब आप चुन रहे होते हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता होते हो, जब आप चुन गए हो तो आप किसी पार्टी विशेष के नहीं हो, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों से मेरा ये निवेदन है कि इस मौके का इस्तेमाल आप मत कीजिए ऐसे कानूनों को लादने का जिसके ऊपर इस देश के अंदर एक मत नहीं है, ऐसे आर्थिक नीतियों को थोपने का जो केवल अमीरों की अमीरी बढ़ाएगी, गरीब की और गरीबी बढ़ाएगी, उससे आपको भी परहेज बरतना चाहिए, उसका संज्ञान लेना चाहिए। यही कहते हुए और अपने सभी गांव और शहर के सभी अपने नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए सबको मैं नमस्कार।